भारत की अध्यक्षता में हुए G20 शिखर सम्मेलन का सफल समापन हो गया। रविवार को पीएम मोदी ने सम्मेलन के अंतिम सत्र को संबोधित किया और फिर अंत में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को G20 की अध्यक्षता सौंपी। इस दौरान उन्होंने सिल्वा को पारंपरिक गैवल सौंपा। हाइनेसेस, एक्सलेंसीज, जैसा आप सब जानते हैं, भारत के पास नवंबर तक G20 प्रेसिडेंसी की भी जिम्मेदारी है। अभी 2.5 महीने बाकी हैं। इन 2 दिनों में आप सभी ने अनेक बातें यहां रखी हैं, सुझाव दिए हैं, बहुत सारे प्रस्ताव रखे हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो सुझाव आए हैं उनको भी एक बार फिर देखा जाए कि उनकी प्रगति में गति कैसे लाई जा सकती है। मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक वर्चुअल सेशन और रखें। अब अगले साल ब्राजील में भी G20 समिट का आयोजन किया जाना है। वहीं G20 के तीसरे सेशन में पीएम ने भाषण में कहा कि ग्लोबल फैमिली का सपना हकीकत में बदल रहा है। उस सेशन में हम इस समिट के दौरान तय विषयों की समीक्षा कर सकते हैं। इन सब की डिटेल्स हमारी टीम आप सभी के साथ शेयर करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इससे जुड़ेंगे। योर हाइनेसेस, एक्सलेंसीज, इसी के साथ मैं G20 समिट के समापन की घोषणा करता हूं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का रोडमैप सुखद हो। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। 140 करोड़ भारतीयों की इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।